मैं हूं सिद्रम महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़। प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीलीभीत समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर दलजीत कौर के नामांकन को लेकर व प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पीलीभीत के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, जिला महासचिव यूसुफ कादरी, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, बुजसेन वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने कहा कि प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर पक्षपात का आरोप लगता है कि जैसे जिलाधिकारी खुद चुनाव लड़ रहे हों। आपत्ति का निस्तारण निष्पक्ष नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने कहा यदि सही कार्रवाई है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होगा। बीती देर रात तक आपत्ति निरस्त करने के पीछे प्रशासन का भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करना था। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गलत जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं तो चुनाव में धांधली भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही अगला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। चंद दिनों की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आती ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, जिला महासचिव यूसुफ कादरी, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, बुजसेन वर्मा व समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण रहे मौजूद।